यहां पर इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं भाई एनटीओ 3.0। जी हां, न्यू टैरिफ प्लान्स लॉन्च कर दिए गए हैं लगभग सभी ब्रॉडकास्टर की तरफ से, चाहे जी हो, चाहे वाईकॉम 18 हो, चाहे स्टार हो। तो यहां पर मैं सिर्फ इस वीडियो में वाईकॉम 18 नेटवर्क के प्लान्स के बारे में बात कर रहा हूं, जिसमें जो है मूवीज और स्पोर्ट्स के चैनल काफी कॉस्टली कर दिए गए हैं भाई, क्योंकि यही ब्रॉडकास्ट इन्हीं ब्रॉडकास्टर की जो है यही ज्यादा देखे जाने वाले चैनल है। अगर इनके एंटरटेनमेंट चैनल की बात करूं तो कलर्स तो काफी पहले से ही जो इनका हाईएस्ट प्राइस है ₹19 पहले से ही बना हुआ है, लेकिन अब मूवीज जो इनका काफी सस्ता चैनल हुआ करता था और स्पोर्ट्स वो भी इनका काफी सस्ता चैनल था भाई जब से ये लॉन्च हो रखा था, लेकिन अब इनको कॉस्टली बना दिया गया है। सारी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने जा रही है भाई, वीडियो पर एंड तक बने रहना, चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों ऐसी अपडेट्स लेते रहने के लिए। देखिए भाई, अब तक सिर्फ जो इनका जनरल एंटरटेनमेंट चैनल है कलर्स या कलर्स HD, उसी का प्राइस जो है सबसे हाई जो ₹19 के द्वारा रखा गया है भाई हाईएस्ट प्राइस, तो उसी का सिर्फ ₹19 देखा जाता था। लेकिन इसके अलावा जो इनका एक मेन हिंदी मूवी का चैनल है कलर्स सिनेप्लेक्स, या फिर इनका जो मेन स्पोर्ट्स का चैनल है स्पोर्ट्स 18-1, उनके प्राइस काफ़ी कम थे अगर हम अदर ब्रॉडकास्टर से कंपेयर करें। अगर जी का कोई मूवी चैनल है जी सिनेमा, उसका प्राइस भी ₹19 है। स्टार का कोई स्टार गोल्ड है तो उसका प्राइस भी ₹19 है, ठीक है। तो ऐसे ही इनके कंपैरिजन में अगर हम देखें, ऐसे ही इनके स्पोर्ट्स के चैनल लगा लेते हैं, तो स्पोर्ट्स का चैनल भी भाई स्टार न्यूट्रल का ₹19 में देखा जाता है, और जो दूसरे स्पोर्ट्स चैनल हैं वो भी लगभग ₹19 के अंदर है। लेकिन जो सिर्फ वाईकॉम 18 नेटवर्क के स्पोर्ट्स और मूवी के चैनल थे वो काफ़ी सस्ते थे। सबसे पहले मैं जो इनका मूवी का चैनल है उसी को लेकर बात कर लेता हूँ, जो कि है कलर सिनेप्लेक्स। काफ़ी सस्ता चैनल था भाई ये, इसका प्राइस सिर्फ ₹3 था। पेड चैनल जरूर था ये, लेकिन प्राइस अगर इसके बात करें हम तो सिर्फ ₹3 था। और 1 फरवरी से ये चेंज होने जा रहा है भाई, NTO 3.0 इसका प्राइस रखा गया है अब ₹19। अब मुझे नहीं लगता भाई ₹19 में इस चैनल को कौन देखेगा भाई, देखेगा भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये कोई बकवास मूवी दिखा रहा है। जो वर्ल्ड टेलीविजन प्रेमर होते हैं या महाप्रेमर होते हैं वो सबसे पहले कलर सिनेप्लेक्स पर ही किए जा रहे हैं। जैसे कि अभी बहुत जल्द जो है OMG 2, उसका महाप्रीमियर भी कलर सिनेप्लेक्स पर ही किया जाएगा बहुत जल्द, ठीक है। तो भाई देखने वाले तो देखेंगे, ₹19 में भी देखेंगे। बाकी इनका जो हाई डेफिनेशन का चैनल था कलर सिनेप्लेक्स HD, वो भी काफ़ी सस्ता था। पुराना प्राइस अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ ₹5 था, ₹5 भाई, ₹5 में हाई डेफिनेशन का चैनल देखने को मिला था। लेकिन अब इसका प्राइस भी भाई ₹19 कर दिया गया है, जो कि काफ़ी महंगा हो चुका है भाई कलर सिनेप्लेक्स HD भी। बाकी जो इनके स्पोर्ट्स के चैनल हैं स्पोर्ट्स 18-1 और स्पोर्ट्स 18-1 HD सबसे पहले लॉन्च हुए थे भाई इनके स्पोर्ट्स के चैनल, और इसका प्राइस सिर्फ ₹8 था। जो इनका स्टैंडर्ड डेफिनेशन का चैनल है सिर्फ ₹8 था, और जो इनका हाई डेफिनेशन का चैनल था उसका प्राइस था ₹12 या ₹10 कुछ ऐसा था भाई, ठीक है। लेकिन 1 फरवरी से ये भी काफ़ी महंगे होने जा रहे हैं। स्पोर्ट्स 18-1 भी इनका सबसे महंगा चैनल बनने जा रहा है भाई, ₹19 इसका प्राइस कर दिया गया है 1 फरवरी से। और ऐसे ही जो स्पोर्ट्स 18-1 HD है तो इसका प्राइस भी ₹19 कर दिया गया अभी 1 फरवरी से। बाकी जो इनके दो और चैनल लॉन्च हुए हैं 1 नवंबर से, स्पोर्ट्स 18-2 और स्पोर्ट्स 18-3, अभी तक अगर आप कहीं भी इन चैनल को देख रहे हैं तो वो बिल्कुल फ्री देखे जा रहे हैं। चैनल्स के आगे भी फ्री लिखा हुआ है, मतलब इनका कोई भी प्राइजेस अभी तक नहीं है, लेकिन 1 फरवरी के बाद इनको भी प्राइज दे दिया गया है। स्पोर्ट्स 18-2 का प्राइज रहने वाला है ₹1 भाई, जी हाँ ₹1 रहेगा भाई। और क्रिकेट जो है चैनल पर देखने को मिलेगा, मतलब ये तो चलिए सस्ता ही है, लेकिन स्पोर्ट्स 18-1 से कंपेयर करें तो काफ़ी सस्ता है भाई, ₹1 रखा गया है। बाकी जो स्पोर्ट्स 18-3 है उसका प्राइस रखा गया है भाई ₹4, जहां पर क्रिकेट नहीं दिखाया जाएगा, वो सिर्फ अदर स्पोर्ट्स इवेंट के लिए चैनल है भाई, लाइक फुटबॉल हो गया, टेनिस हो गया, बास्केटबॉल हो गया, रेसिंग हो गया, और जितने भी स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट के अलावा वो जो है स्पोर्ट्स 18-3 पर देखने को मिलेंगे। तो अब कहीं ना कहीं जो है स्पोर्ट्स के सभी चैनल पेड कर दिए गए हैं और मूवी के चैनल को भी काफ़ी कॉस्टली बना दिया गया है। आप लोगों का क्या कहना है, क्या आप वाईकॉम 18 के इन चैनल्स को देखना पसंद करते हैं या फिर नहीं, ठीक है जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। धन्यवाद।